हे बलराम, हमें क्षमा कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। हम सब तो धन्य हो गए कि आप दोनों हमारी सहायता करने के लिए आए हैं। नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था। यहाँ और रुकने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना। चलिए मेरे साथ। ये क्या? जिसका भय था वही हुआ, जिसका इतना दुस्साहस जो अश्वलोक में प्रवेश कर हमें चुनौती दे सके। खोज निकालो उन्हें। तुम मुझे वहां खोज रहे हो और मैं यहां खड़ा हूं। कौन है तू दुष्ट बालक और हमारे इस अश्वलोक में क्या कर रहा है? इन चार ऋषियों को हमें सौंप दे, अन्यथा तुम्हें ऐसी मृत्यु दी जाएगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। हे दुराचारी, तेरे सामने बलराम खड़ा है। मैं यहाँ उस अधर्म का नाश करने आया हूँ जो तुमने इन ऋषि कुमारों का अपहरण करके किया है। एक बालक जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं फूटे, वो हमें चुनौती दे रहा है, बाहुबली बालक को। अपनी शक्ति का यही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा बालक। अभी भी समय है, धर्म के मार्ग पर लौट आओ, अन्यथा बड़ा भयानक दंड मिलेगा तुम्हें मेरे इन्हीं हाथों से। बस बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे क्रोध से कैसे बचता है। बलराम, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अकेले इन सभी से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये अश्वलोक है, यहाँ आपकी शक्ति प्रभावी नहीं होगी। इनके क्षेत्र में आकर इनका पराजय करना असंभव है। पराजित किसे करना है ऋषि कुमार? मुझे तो केवल इन्हें रोकना है। भाता, ये बालक हमें इस गुफा के अंदर बंद करना चाहता है। हे ऋषि कुमारो, शीघ्र ही मेरे साथ चलिए, हमें यहां से निकलने का मार्ग भी ढूंढना है। चलिए। भगवान, एक तो समझ ना आ रही, भगवान सो रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं? और मैंने जरा ऊंची आवाज में बोल दिया भगवान को जीवित मार डाल। क्या कर रहा है भद्रा, क्या कर रहा है? एक तो प्रेत बनने से पहले तेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, प्रेत बनने के बाद तो एकदम नष्ट रह गई। पर मैं जहां खड़ो खड़ो भी कहा करूं, भगवान सो रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, जो भी है, मैं जाके दास दासी को लहू पी के आ जाऊं। मरगो मरगो। जी भगवान। बिना भगवान कंस की आगे से जाने का साहस कर रहा था। अरे नहीं भगवान, क्या बात करें, क्षमा क्षमा चाहता हूँ। मैंने सोची समूह को सदुपयोग करूं, जब तक आप सो रहे हो मैं जाके भोजन करके आ जाता हूँ। सो नहीं रहा था मूर्ख, अपनी योजना के प्रथम चरण को पूरा होते देख रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान, ये कौन से प्रथम चरण की बात कर रहे हैं? समुद्र राज रत्नाकर, शक्ति स्वरूपा राधा को लेकर समुद्र लोक पहुंचने में सफल हो गया। अरे तो भगवान, हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? हमको चल के राधा को अंत कर देना चाहिए, है जी? इतना सरल नहीं है मूर्ख। उस राधा के अंत से पूर्व उस चक्रधारी के छल के अंत का काट ढूंढना होगा। उस क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी जब वो छलिया अपनी शक्ति के आधार लक्ष्मी के अवतार राधा को और अपने भक्तों को बचाने के असमंजस में फंस जाएगा। अब प्रतीक्षा बहुत हो गई भगवान, मैं करूं सबको समाप्त कर दूं, मक्खन कर दूं सबको। पिता महाराज, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे, जाने
पुत्री, देख इस महल को, देख संसार के सबसे आकर्षक और संपन्न स्थानों में से एक हुआ करता था, परंतु आज आज ये केवल चीन शीन द्वार शेष रह गया है। देवताओं ने मेरा समस्त वैभव और गौरव हर लिया है, और अब भी तू ये कह रही है कि मैं अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म पर चलूं? अभी तुझे लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अधर्म है? एक समय था जब ये महल ही नहीं अभी तो पूरा समंदर असंख्य निधि और रत्नों से भरा पड़ा था। इसी संपन्नता के कारण तेरे पिता को रत्नाकर की उपाधि मिली, परंतु आज आज अपनी आंखों से देखो, क्या तुझे लगता है कि तेरा पिता रत्नाकर कहलाने योग्य रह गया है? जब मेरे पास अमृत कलश था तो मुझसे बड़ा देव इन तीनों लोकों में कोई नहीं था। हिमालय से ऊंचा सम्मान था तेरे पिता का, क्या तू नहीं चाहती तेरे पिता का खोया हुआ सम्मान लौट आए? पिताजी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, अपने हृदय से आपका सम्मान भी करती हूँ। मेरे लिए आज भी आपका स्थान समस्त देवों से ऊपर है, परंतु आप ये क्यों नहीं समझते कि जो कुछ भी वैभव आपके पास था उसके स्वामी आप नहीं थे? आपके पास जो भी संपत्ति थी आप उसके संरक्षक थे, ना कि स्वामी। संरक्षा का कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है पिताजी, ना कि स्वामित्व स्थापित करना। जिस संपत्ति को आप अपना मानकर देवताओं से दिवेश पाल रहे हैं वो तो आपकी कभी थी ही नहीं। पिताजी, आप एक विशाल का समुद्र हैं। आपको एक दुख है ना कि संसार आपको भुला बैठा है, परंतु ये कैसे संभव है? संसार में आप जैसा विस्तार और किसका है, यहाँ तक कि भूमि का अस्तित्व भी आपसे कम है। इसके पश्चात भी आप अपने आप को इतना कम कैसे आंक सकते हैं? कंस ने आपकी सोच को विकृत कर दिया है। अभी भी कुछ नहीं हुआ पिताजी, जो हुआ उसे भूल जाइए और आपने जो अपना विस्तार किया है उसे कृपया सीमित कर दीजिए। मीठे जल का समस्त स्रोत खारे जल में परिवर्तित हो गया है, उन्हें कृपया उनकी वास्तविक स्थिति में लौट जाने दीजिए, अन्यथा आप सच में पूरे संसार का सम्मान खो देंगे। बस राधा, मैंने सोचा था मेरी पुत्री होने के नाते तुम मेरी वेदना को समझोगी, परंतु अब मुझे लग रहा है तुम मेरी पुत्री नहीं रही। तुझे सबकी चिंता है, मेरी नहीं। तब से एक ही हट पर अड़ी हुई है, परंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की है चाहे जो हो जाए मैं अपना सम्मान प्राप्त करके ही रहूंगा, और उसके लिए मुझे जो भी करना हो मैं करूंगा। तो ठीक है पिताजी, आपको जो करना है वो कीजिए, परंतु मैं आपके इस कुकर्म में ना तो प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनूंगी और ना ही परोक्ष रूप से। मैं जा रही हूँ अपने घर। ओम नमः भगवते स्वर्णम नमः, ओम भगवते स्वर्णम नमः। कुमार तो मेरे मंत्रों का प्रत्युत्तर दे रहे थे, परंतु अब उनका स्वर सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? अर्थात दाऊ ने उन्हें खोज लिया है। दिख ही नहीं रहा है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग है भी अथवा नहीं? ये कैसा चक्रव्यूह है, चारों ओर से एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है। अब जाए तो हम किधर जाएं? यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे का मार्ग भी मिल जाएगा। भगवान, आपको सहस्र नमन है। हम धन्य हुए कि आप हमारी रक्षा के लिए यहाँ आए। चलिए दाऊ, हम सब मिलकर मार्ग खोजते हैं। नहीं नहीं, एक साथ मार्ग खोजेंगे तो विलंब होगा। हम लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में जाकर मार्ग खोजते हैं, शीघ्रता होगा। ठीक है दाऊ,
और हम में से जिसे भी सबसे पहले कोई मार्ग दिखेगा वो बाकियों को भी बुला लेगा। चलिए। शीला किसी के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए रखी गई है। काना, तुम्हारा अनुमान तो उचित है, परंतु यदि हम मिलकर भी इस पर्वत को हिलाना चाहें तो हम हिला नहीं सकते। आप सत्य कह रहे बलराम, अश्वलोक में आने के पश्चात मनुष्य की शक्ति ऐसी चली जाती है। परंतु आप चिंतित ना हो, हम ऋषि कुमारों में इतनी शक्तियाँ हैं के शिला में से मार्ग बना सकते हैं। ठीक है। सरलता से हमारे लिए मार्ग बना दिया। चलिए हम यहाँ से शीघ्र निकलते हैं। चलिए। रुक जाओ राधा। तुम मेरी आज्ञा के बिना नहीं जा सकती। क्षमा कीजिए पिताजी, मुझे धर्म संकट में मत डालिए। यदि मैं आपकी आज्ञा को मानती हूँ तो धर्म का मार्ग छूट जाता है और मैं धर्म को छोड़कर अधर्म का साथ नहीं दे सकती। मुझे जाना ही होगा। राधा, मुझे वो करने पर विवश मत करो जो एक पिता अपनी संतान के साथ कभी नहीं करना चाहता। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पिता और पुत्री का ये संबंध खंडित हो जाएगा। पिताजी, ये संबंध तो तभी खंडित हो गया था जब आप बलपूर्वक मुझे मेरे घर से अपने लोक में ले आए थे। पिता पुत्री के संबंध की मर्यादा को वहीं तोड़ दिया था आपने। तुम्हारी धृष्टता मुझे अचंभित कर रही है। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। राधा, ये क्या है? आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, मैं अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी व्यथा सुनाई और तुमने क्या किया? मेरा साथ देने के स्थान पर मुझे ही अधर्मी सिद्ध कर दिया। अब देखना कैसे मेरा खारा जल धरती पर प्रलय लेकर आता है और देवताओं को विवश होकर मेरा वैभव लौटाना पड़ेगा। योजना के प्रथम चरण में कछु अवरोध ना आगो। रत्नाकर ने तो मेरी इस योजना को और भी रोचक बना दिया। ऐसा क्या कर दिया रत्नाकर ने? है जी, पिता पुत्री के संबंधों को भुला उस रत्नाकर ने अपनी पुत्री को बंधक बना लिया। अब चित भी हमारी और पट भी हमारी होगी। चित पट दोनों हमारे, ऐसे कैसे होगा? ऐसे अपनी शक्ति की आधार लक्ष्मी की अवतार राधा को बचाने के लिए उस चक्रधारी को उसके पिता रत्नाकर को दंडित करना पड़ेगा। दंड से आपको अभिप्राय? रत्नाकर की मृत्यु से? है जी। इस प्रश्न का उत्तर तो
चक्रधारी को भी खोजना पड़ेगा। समझ गो भगवान, पूरी तरह समझ गो। मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वह को उत्तर वो छलिए के पास भी नहीं है, है ना? यही बात है जी। जो कार्य मेरे बड़े बड़े असुर करने में असफल हो गए, वो कार्य समुद्र राज रत्नाकर उस लक्ष्मी का कथित पिता करेगा। समझ गए हो भगवान, आपकी योजना से वो छलियो विष्णु धर्म संकट में उलझ गए। हाँ। अरे वाकई स्थिति वैसी हो गई जैसी त्रिशंकु की होती है। अब वो का करेगा, या तो वो रत्नाकर को मारेगा, या शक्ति की स्रोत राधा की रक्षा करेगा, या फिर ब्रजमंडल में पिन पाने की मछली की तरह तड़प रहे अपने व्याकुल भक्तों को बचाएगा, का करेगा? मेरे अंत का मार्ग ढूंढ रहे उस परम अवतार श्री कृष्ण को अब लौट कर आना ही पड़ेगा। आजा आजा मेरे भांजे आजा। हे बालक, तुमने 21 सदी काल से इन चारों ऋषियों को बंदी बनाकर रखा था। ये ऋषि कुमार इस संसार में भक्ति के आधार है। इनके साथ ऐसा व्यवहार करके तुमने महापाप किया है बालक। पाप और पुण्य का पाठ क्या मैं अब तुमसे लूंगा बालक? हम अश्वों के साथ मनुष्य और देवताओं ने सदियों से भेदभाव किया है, इसी का प्रतिशोध मैं ले सकूं, इसी कारण ऋषि कुमारों को यहाँ लेकर आया हूँ मैं। भेदभाव? कैसा भेदभाव? क्या इस संसार का समस्त ज्ञान और शासन करने का अधिकार केवल देवों और मनुष्यों को ही है? क्या अश्वों को इसका अधिकार नहीं? या फिर अश्व केवल रथ खींचेंगे और श्रम करेंगे? देखो बालक, इस संसार में हर जीव की भूमिका पूर्व निर्धारित होती है। जिस प्रकार ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने का मनुष्यों और देवताओं को अधिकार है, उसी प्रकार बल और गति का अधिकार तुम्हारे पास है बालक। तुम वो कर सकते हो जो देव अथवा मानव नहीं कर सकते। इस संसार में बुद्धि और बल का मिलन अत्यंत विरल है। तुम्हारे पास कभी भी मनुष्य जैसा ज्ञान नहीं होगा और इस संसार में सदैव मनुष्यों के पास तुम्हारे जैसा बल नहीं होगा। इसी प्रकार तो इस संसार में बल और बुद्धि का संतुलन बना रहता है। यदि ऐसा है तो समस्त देवता और मानव हमारे बल पर ही शासन क्यों करते हैं? यदि उनके पास इतनी ही बुद्धि है तो उन्हें हमारे बल की क्या आवश्यकता? हम इस संसार से भक्ति को निस्तेज कर इस संसार पर शासन करेंगे, फिर देव और मानव हमारे लिए कार्य करेंगे, ना कि हम उनके लिए। खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हो बालक, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना अहंकार है ना तुम्हें अपने बल पर? आज मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुम अपने बाहुबल में मुझे परास्त करो, तब जाने तुम किस योग्य हो। यदि ऐसा है बालक तो तुम्हारी ये बालपन की हास्य प्रतीक्षा भी अभी पूर्ण किए देता हूँ। अब प्रस्तुत हो जाओ मल्ल युद्ध के लिए। अब पहले मैं तुम दोनों का अंत करूंगा, फिर तय करूंगा कि इन ऋषि कुमारों का क्या दंड दिया जाए। मुझे एक प्याला जल पिला दे। चला गया, इनको चल दो। मेजबानी जी, ये जल तो खारा है। ये तुम क्या कह रहे हो? आप स्वयं पी कर देख लीजिए। अब तो कुएं का जल भी खारा हो गया,
अब हम क्या करेंगे विश्वानु जी? मेरी तो आशा ही टूट गई। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्यास के मारे हम सभी एक एक करके अपना दम तोड़ देंगे। किसी को कुछ नहीं होगा। गुरुदेव, पेड़ पौधों में संचित जल अभी भी पीने योग्य है। मात्रा में अवश्य थोड़ा कम है, किंतु उसकी सहायता से कुछ समय निकाला जा सकता है। तब तक तारनहार इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाल लेंगे। विष्णु जी, इन सभी को श्रीफल और अन्य वनस्पतियों का जल पीने को दीजिए। अवश्य गुरुदेव। चलो गिरधर। हे राधा, मुझे पता है आप इस समय रत्नाकर के निकट हैं। इससे पहले कि धरती से जीव जंतुओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इस समस्या का समाधान कीजिए। गर्गाचार्य, तू चाहे कितने भी प्रयास कर ले, वृंदावन वासियों को नहीं बचा पाएगा। भगवान, मैं तो कह रहा हूँ, जय गर्गाचार्य हर बार हमारे कार्य में बाधा बन रहे हैं। अरे वो अलक्ष्मी वाली योजना में बीच में डंडो लेके आ गए, तो मैं तो कह रहा हूँ पहले जागो काम मक्खन करो। मैं अकेलो पूरे वृंदावन को निगल सकने में सक्षम हूँ। हाँ भगवान। शांत शांत भद्राक्ष, ये ये गुरुदेव गर्गाचार्य अभी हमारे लिए उतना ही सम्माननीय है। क्योंकि जब मैं संसार का भगवान बन जाऊंगा तो राज तिलक भी उसी से करवाऊंगा। इसीलिए ध्यान रहे, उस उनका कोई अहित नहीं होना चाहिए। जे उनका सम्मान छोड़ो भगवान, अरे जाकू मार्ग से हटाओ, तभी विजय तलक को मार्ग बनाएगा। कह रहा हूं मैं, समझो आप मूर्ख प्रेत। गुरुदेव गर्गाचार्य ही तो हैं जो मेरे भांजे कान्हा को वापस बुलाने में सक्षम है। जब बरसाना में कुछ लोगों की मृत्यु होगी, तब हमारे ये गुरुदेव गर्गाचार्य इनके मुख से परम अवतार श्री कृष्ण को बुलाने की करुणा पुकार निकलेगी। परम अवतार श्री कृष्ण आ जाओ, बरसाला के लोग मर जाएंगे। राधा, तुमने मेरा कहा नहीं माना ना? कोई बात नहीं, देवता मानेंगे। देवताओं, समस्त संसार का जल खारा हो चुका है। अब तुम्हारे पास केवल दो ही मार्ग हैं। मुझे मेरे रत्न, मेरा वैभव वापस करके संसार को बचा लो, अन्यथा सारे प्राणियों को पेयजल के अभाव में तड़प तड़प कर मरते हुए देखो। इनकी भक्ति से भी तुम्हें बल मिलता है ना? जब यही नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? इन सबकी मृत्यु का दोष तुम देवताओं पर आएगा, क्योंकि इनकी रक्षा करने के स्थान पर तुम मूक दर्शक बनकर खड़े हो। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, लौटा दो मेरे रत्न, मेरा वैभव, मेरी संपत्ति। राधा के रूप में लक्ष्मी मेरे पास आ गई है। अब तुम विवश हो, अंतिम चेतावनी है मेरी। ये तो अनर्थ करने जा रहे हैं। मेरे कारण समस्त प्राणियों पर संकट गिराया है। इस संसार को बचाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। Ha 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 ha!
बलराम ये क्या हो रहा है? मेरी मुद्गल शक्ति कार्य क्यों नहीं कर रही है? तुम्हें याद तो है ना, मैंने इसी मुद्गल द्वारा कितने असुरों को धूल चटाई है। कदाचित आप भूल रहे हैं, यहाँ कोई अस्त्र या दैवी शक्ति काम नहीं आती, यहाँ केवल अशक्ति और शारीरिक बल ही काम आते हैं। उस प्रहरी ने बताया था ना दाऊ, तो ठीक है कान्हा, यदि ऐसा है तो हम मल युद्ध ही लड़ेंगे। मैंने तुम्हें भी ये युद्ध कला सिखाई है ना, तो आज वो सारी शिक्षा सारा परीक्षण कार्य में आएगा। आओ जिनको आना है। बलराम तैयार है। संख्या में आधे के, किंतु हम इन्हें अपनी एकता से हरा सकते हैं। हाँ कान्हा, तुम सत्य कह रहे हो, एकता में ही तो बल है। हाँ दाऊ, इस कारण हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। दाऊ इन्हें एक दूसरे से अलग कर दो, इससे इनका बल कम हो जाएगा, अन्यथा ये हमें पराजित कर देंगे। विभाजन करो और हत्या कर दो, जाओ। दाऊ, मैं जैसे कहूँ ना कि मुझसे पृथक हो जाना, तो शीघ्र ही हो जाना, ठीक है दाऊ? क्षमा कर दो। नहीं किए दाऊ, आप जैसा अग्रज तो केवल भाग्यशालियों को ही मिलता है। हिम्मत मत हारिए दाऊ, मुझे विश्वास है कि हम अवश्य ही इन चारों अश्वों को हरा देंगे। और जब तक हम दोनों साथ हैं, तब तक हमें कुछ नहीं होगा दाऊ। खेद है मुझे कि अब तुम दोनों की हत्या करनी होगी। यदि इन्हें पता होता कि अश्व लोक में ऐसी दिव्यता नहीं चलती, तो ऐसी भूल कदाचित न करते। मार दो इन्हें।
नारायण नारायण। प्रभु अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवी राधा रत्नाकर के हाथों से इस संसार को बचा लेंगी, किंतु अब यह स्पष्ट हो गया है प्रभु कि देवी राधा भी उसे नहीं रोक पाएंगी। अब तो एक ही उपाय है प्रभु, रत्नाकर के समस्त रत्न आदि लौटा दिए जाए, अन्यथा इस संसार में कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। प्रभु देव ऋषि, वो वस्तुएं रत्नाकर को कैसे लौटाई जाए जो उनकी कभी थी ही नहीं? अमृत, ऐरावत अथवा वो बहुमूल्य रत्न इत्यादि, कुछ भी उसका नहीं था, फिर उस पर उनका अधिकार कैसे सिद्ध होता है देव ऋषि? नारायण नारायण। किंतु प्रभु वो तो उन्हें अपनी संपत्ति मान चुका है, और यदि आपने उसे उसकी भौतिक संपत्ति नहीं लौटाई तो संसार में विनाश हो जाएगा। प्रभु प्रभु जीव जंतु जल के लिए तड़प रहे हैं, और पृथ्वी पर मीठे जल की एक बूंद भी शेष नहीं। ये प्राणी भोजन के बिना फिर भी कुछ दिन जीवित रह सकते हैं प्रभु, किंतु जल के बिना इनकी मृत्यु निश्चित ही नहीं अपितु निकट भी है प्रभु। देव ऋषि आप चिंतित ना हो, मैंने राधा को सब समझा दिया है। उसमें इस समस्या से लड़ने के लिए आवश्यक विवेक और सद्बुद्धि दोनों हैं। उसे भली भांति ज्ञात है कि संकट से उबरने के लिए उसे क्या करना है। नारायण नारायण। धन्य है आप प्रभु, और धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। पुत्री राधा, अब ध्यान करने से भी कुछ नहीं होगा। पिताजी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। अब मुझे भी लगता है कि आपके साथ छल हुआ है। सच पुत्री, मैं जानता था ये पुत्री अपने पिता की व्यथा को समझ सकती है। अब तो मानती है ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ था, और मुझे मेरी खोई हुई संपत्ति वापस मांगने का अधिकार है ना? हाँ पिताजी महाराज। अति उत्तम, तो फिर बुलाओ सभी को। सर्वप्रथम हमें एक अनुष्ठान करना होगा। जिस प्रकार समुद्र मंथन के द्वारा समस्त संपत्ति रत्न आदि आपसे ले लिए गए थे, उसी प्रकार एक अनुष्ठान के द्वारा उन्हें वापस लाना होगा। उचित कहा तुमने, अब होगा अनुष्ठान। अश्वगुरु क्या करें इनका? हम इन्हें मरने नहीं दे सकते अश्वकन्या। संसार में एक औषधि है जिससे ये दोनों स्वस्थ हो सकते हैं, और वो है अश्वगंधा। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। वृषभानु जी, फल फूल नारियल सबका जल समाप्त हो गया है। लोग वृक्षों की पत्तियां तोड़ तोड़ कर चबा रहे हैं। हमारा क्या दोष है कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है? ये परमात्मा का कैसा न्याय है? ईश्वर की पीड़ा पर शंका नहीं करते गिरधर। इस पीड़ा में भी कहीं ना कहीं संपूर्ण संसार की भलाई छुपी होगी। तुम धैर्य रखो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि संकट स्थायी नहीं है। अवश्य ईश्वर ने संकट से उबारने के लिए कोई उपाय सोच लिया होगा। पुत्री राधा, तुम्हें इस अनुष्ठान से क्या फल मिलेगा? इस अनुष्ठान के द्वारा सृष्टि में जितने भी बहुमूल्य रत्न हैं, वो अपने स्थान पर लौट आएंगे। संसार का संतुलन पुनः ठीक हो जाएगा, इस कारण मैं यह अनुष्ठान कर रही हूँ।
ये क्या किया तूने राधा? ये क्या कर रही हो तुम? पुत्री, ये तूने क्या किया? अपने पिता के साथ छल किया? क्षमा कीजिए पिताजी, परंतु आपने मुझे विवश कर दिया था। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं था इस अनर्थ को रोकने का। मुक्त कर दे मुझे राधा, अन्यथा मेरा क्रोध अपनी सीमाएं लांघ जाएगा। अभी मैं आपको मुक्त नहीं कर सकती पिताजी महाराज, मैंने आपको बंधन यज्ञ में बांध दिया है। अब मैं आपकी सीमाएं निर्धारित करूंगी ताकि आप फिर कभी संसार के लिए संकट उत्पन्न ना कर सके। आज से आपके समुद्र का जल अपनी सीमाओं को लांघ कर फिर कभी नदी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं राधा इस बंधन युग में पूर्ण आहुति देते हुए यह संकल्प लेती हूँ कि आज से सागर राज अपनी सीमाओं को लांघ कर बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसी क्षण अपने खारे जल को अपनी सीमा के भीतर ले आएंगे। राधा नहीं, नहीं राधा, स्टॉप। चमत्कार हो गया विश्वानु जी, चमत्कार हो गया विश्वानु जी, गुरु जी चमत्कार हो गया, सारा का सारा जल मीठा हो गया। आपने सत्य कहा था विश्वानु जी, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली, सबको जल दो। जल पुनः मीठा हो गया, अर्थात नियति का चक्र घूमकर पुनः अपने वास्तविक स्थान पर आ गया। समस्त संसार संकट मुक्त हुआ। मेरा विश्वास सत्य था राधा, असंभव को संभव करने का ये अलौकिक कार्य केवल तुम ही कर सकती थी। ऋषि गर्गाचार्य तुम्हें नमन करता है। स्वयं को भगवान कहता है चक्रधारी, कैसा भगवान है तू? एक स्त्री की शक्ति के पीछे छिप कर स्वयं को बचाता है तू भगवान। हर बार छल करता है तू और अपने इस छल को लीला का कलेवर ओढ़ा सारे संसार को भ्रमित करता है। किंतु ना तो मैं भ्रमित होऊंगा और ना ही भयभीत। भगवान कब तक अपने आप को समझाते रहोगे? ये विष्णु प्रतिदिन हमें परास्त कर रहा है, प्रतिदिन हमारो वध कर रहा है, प्रतिदिन हमें मानसिक रूप से हताश कर रहा है। किंतु भगवान कंस ना तो हताश होंगे ना ही निराश, क्योंकि ये सत्य या तो मैं जानता हूं या तू। सत्य ये है कि तुम मेरे समक्ष आने में भयभीत है, लज्जित है। जगतधारी स्वार्थी है तू, पापी है, तुझसे बड़ा अधर्मी मैंने पूरे संसार में नहीं देखा। तू जानता था कि तू मेरी बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला है, चाहता तो इस बात को गुप्त रख सकता था, किंतु नहीं। ने जीवन को बचाने के लोभ में तूने आकाशवाणी कर दी, ये भी नहीं सोचा कि अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को आजीवन कारावास भुगतना पड़ सकता है। और जिसकी यही आकाशवाणी के कारण भगवान के कितने भांजे भांजी स्वर्ग से धार गए, और ये सारे विनाश को कारण ये विष्णु ही है, विष्णु ही है। हाँ भगवान, तुझसे बड़ा दयालु हूं मैं, भगवान हूं मैं। आकाशवाणी के अनुसार मेरी बहन देवकी मेरे वध का कारण है, चाहता तो उसी समय मार देता उसे। किंतु मेरी बहन है वो,
अत्यधिक प्रेम करता हूं मैं उससे। भाई का बहन के प्रति प्रेम तू क्या जाने? और फिर अपने इन्हीं हाथों से अपनी बहन की संतानों का कितना धिक्कारा मैंने स्वयं को कोसा। किंतु तू तब भी मेरे समक्ष नहीं आया, मना दिया सबको। कायर है तू, स्वयं को भगवान कहता है। मुझे लग रहा है जो विष्णु जो भाग्य में बहुत विश्वास करता है, मुझे तो लग रहा है जो उस समय आपके सामने आएगा जब आपको समय उल्टा चल रहा होगा, जो उस समय सामने आएगा जब आपको अंत को सही समय होगा, जो उस समय सामने आएगा जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान मुझे संदेह नहीं है, विश्वास है, मुझे विश्वास है आप कुछ नहीं कर पाओगे। तेरी इसी नकारात्मक सोच के कारण मैंने तुझे मार दिया था, किंतु तू तब भी नहीं सुधरा। अब सुन ले, उस विष्णु को मारने का प्रयास मैं तब तक करता रहूंगा जब तक वो मर नहीं जाता। सुना तूने चक्रधारी, ना तो मैं थकूंगा, और ना ही मैं रुकूंगा।